अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल जब्बार है और आप मेरा यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं। आज इस वीडियो में दोस्तों मैं यामाटो एक्चुएटर के बारे में बताऊंगा कि ख़राबी को किस तरह चेक करते हैं, ख़राबी दूर करने के बाद किस तरह चेक करते हैं, लोड के साथ किस तरीके से चेक करते हैं। दोस्तों आप अगर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ठीक है दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा तफसील के साथ बताऊंगा। ये देख लें दोस्तों, सबसे पहले हमने इसका कनेक्शन को डिसकनेक्ट करना है। ये देख लें जिस तरीके से मैं डिसकनेक्ट कर रहा हूँ, आपने भी इसी तरीके से बारी बारी इन कनेक्टरों को डिसकनेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ पर 6 कनेक्टर हैं, इस 6 कनेक्टरों को डिसकनेक्ट करना है आपने, ठीक है दोस्तों। दूसरे साइड में दोस्तों 3 कनेक्टर हैं, एक ये लोड सेल का कनेक्टर है दोस्तों, ये 2 सिग्नल के कनेक्टर हैं। अब ये देख लें, ये 2 सिग्नल के कनेक्टर को आपने डिसकनेक्ट कर देना है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसकी जो लॉक है, लॉक को यहाँ से इस तरीके से आपने डिसमेंडल करके ये आपने कार्ड को बाहर निकाल लेना है। ये जो कनेक्शन अभी जो रहते हैं दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर के हैं, ये मल्टी कोर ट्रांसफार्मर, इसके अंदर उसके कनेक्शन हैं। ये आपने इस कनेक्शन को इस तरह डिसमेंडल कर लेना, ठीक है दोस्तों। और पहले से मैंने एक रिपेयर्ड कार्ड रखा है दोस्तों, इस कार्ड को आपने इसके अंदर इंस्टॉल कर देना है। ये देखें, मैं इसके अंदर इंस्टॉल करूँगा, ये कार्ड रिपेयर किया हुआ कार्ड है दोस्तों। ये देखें, इस कार्ड को मैं इसके अंदर इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने ये ट्रांसफार्मर के कनेक्शन को आपने कनेक्ट करना है। ये देखें, इस तरीके से आपने कनेक्ट कर देना, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद आपने इस कार्ड को दोबारा उसी तरीके से जिस तरह आपने बाहर निकाला था, इसके अंदर आपने इंजर्ट कर देना है इस कार्ड को। और उसके बाद देख लें दोस्तों, ये लोड सेल का कनेक्शन है, ये लोड सेल के कनेक्शन को कनेक्ट करना है आपने। ये 2 जो सिग्नल के कनेक्शन है दोस्तों, इनको भी आपने इसी तरीके से लगाना है जिस तरीके से मैं ये लगा रहा हूँ, ये देख लें दोस्तों, ठीक है। इसमें कोई गलती नहीं करिएगा आप दोस्तों। अभी देख लें ये कनेक्शन को जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ये कनेक्शन आपने करना है इसी तरीके से, बिल्कुल सेम, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद इस कनेक्शन के बाद आपने दूसरे साइड पे जाना है। दूसरे साइड में दोस्तों 6 कनेक्टर हैं, इस साइड में दोस्तों कनेक्टरों को नंबर डले हुए हैं, ठीक है ना। हमने लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करना है, लेफ्ट हैंड से दोस्तों 1 से स्टार्ट करना है हमने, ठीक है दोस्तों। ये देख लें, ये कनेक्टर नंबर CN1 है, तो हमने इसे सबसे पहले 1 पर इंजर्ट करना है। ये देखें, ये 1 पर आपने इसे इंजर्ट कर देना है, यानी कि कनेक्ट कर देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देख लें दोस्तों, ये CN2 है, ये 2 को 2 नंबर पे आपने लगा देना है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों ये 3 नंबर है, ये बारी बारी अपने नंबरों को देख के इस कनेक्टर को अपने इसके अंदर कनेक्ट कर देना है, सही है, इंजर्ट कर देना आपने इस तरीके से। आप ये देख लें, ठीक है ना दोस्तों। ये टोटल हमारे पास दोस्तों ये 4 कनेक्टर जो हैं बड़े वाले हैं, और 2 कनेक्टर छोटे वाले 3 पिन के हैं दोस्तों। ये देख लें, ये 5 नंबर है, ये 5 नंबर को दोस्तों आपने ये 5 पे लगाना है, ठीक है दोस्तों। ये देख लें, ये 5 पे इंजर्ट करना आपने। इस कनेक्टर का नंबर 7 है दोस्तों, ये एक छोड़ के 7वें में लगाना है जिस तरीके से मैं इसके अंदर लगाया दोस्तों, ये देख लें, ठीक है ना। आपने कोई ऐसी गलती नहीं करनी है दोस्तों। इन कनेक्टर के ऊपर नंबर डले हुए हैं, लेफ्ट हैंड से 1, 2, 3 स्टार्ट होता है इसका, ये आपने इसका खास ख्याल रखना है। ये इसके अंदर 7 नंबर को आपने इस तरीके से कनेक्ट कर देना जिस तरीके से मैं ये कनेक्टर इसके अंदर कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ये आपने सारे कनेक्टर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैंने जो कार्ड इसके अंदर से डिसमेंडल किया है, ठीक है दोस्तों, इस कार्ड के अंदर भी देखें, ये हमने चेक किया, ये एक रेजिस्टेंस एरे इसका ख़राब है। ये देख लें, ये रेजिस्टेंस एरे जो कि मैंने देखा, ये चेक करने के बाद जो मुझे ख़राब नज़र आया, उस रेजिस्टेंस एरे को मैं चेंज करूँगा हॉट एयर के मदद से दोस्तों। और आपने सेम रीडिंग के दोबारा उसी तरीके से रेजिस्टेंस एरे अपने इसके अंदर रिसोल्ड कर देना है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। ये देख लें, आप हॉट एयर के ज़रिए से आपने करना है, ठीक है, ये हॉट एयर का यूज़ करना है आपने, ताकि इसके अंदर कोई और ख़राबी ना हो, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हॉट एयर से गर्म करके आपने रेजिस्टेंस एरो को डिसकनेक्ट कर लेना है, इस कार्ड से आपने इसे अलग कर लेना है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये देख लें, मेरे पास न्यू रेजिस्टेंस एरे हैं जो कि मैंने मार्केट से परचेज किया है। ये देख लें, इस सेम रीडिंग के रेजिस्टेंस एरे आपने इसके अंदर इंस्टॉल कर देना है दोस्तों। इंस्टॉल करने के बाद आपने दोबारा हॉट एयर की मदद से इसे दोबारा फिक्स कर देना है इसके अंदर,
ठीक है ना दोस्तों, ये देख लें, इस डिस्टेंस को बिल्कुल आपने बिल्कुल सही तरीके से अच्छे तरीके से आपने इसके अंदर लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपने, अब मैं इसके एक्चुएटर को पावर अप करके चला के दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से पावर अप के बाद चला के टेस्ट करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों पावर अप के बाद आपने इसके साइड में, लेफ्ट साइड में एक वाइट कलर के टेस्ट बटन है, जिस बटन के ज़रिए आप इसे चलाकर चेक करेंगे कि आया है ये आपका एक्चुएटर जो आपने कार्ड रिपेयर सोडा लगाया है वो सही है या नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसके दोनों लीवर को कैम को ऑपरेट होना चाहिए, ये देखें दोस्तों कि बारी बारी इसके दोनों कैम ऑपरेट हो रहे हैं। इसका मकसद है हमने जो कार्ड लगाया वो कार्ड हमारा 100% सही है, ये देख लें, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर दो मोटर है, दोनों मोटरों को दोस्तों ऑपरेट होना चाहिए, ये देख लें, दोनों मोटर इसके बारी बारी ऑपरेट हो रहे हैं और कैम को ये चला रहा है, ठीक है दोस्तों। ये देख लें, ये इसका टेस्टिंग का तरीका है, आपने बेंच टेस्ट इस तरीके से कर लेना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसके अंदर मैंने बकेट इंस्टॉल किया कि लोड पे चला के देखूं कि लोड पे कोई मसला तो नहीं कर रहा है, ये देख ले दोस्तों, ये बकेट है इसके साथ, ठीक है। इस बकेट को ये बारी बारी ओपन करता है, खोलता है, एक को बंद करता है, ठीक है, ये इसका तरीका है। एक खुलेगा एक बंद होगा, ठीक है ना दोस्तों, बारी बारी एक ओपन एक क्लोज, इस तरीके से है। एक पाउडर को फीड करता है, एक पाउडर को नीचे गिराता है, ठीक है, ये इसका तरीका है, ये इसका मेथड है दोस्तों, ठीक है। आपने ये देख लिया, ठीक है ना दोस्तों, ये इसका तरीका है, आपने इस तरीके से चेक करना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें दोस्तों और कमेंट्स करें। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में।